मक्सी में किसानों को नहीं मिल रहा फसल बीमा का लाभ, इसी को लेकर किसान बेहद परेशान और दुखी हैं। कई बार लिखित में शिकायत भी कर चुके हैं और प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत करवा चुके हैं, पर इन पीड़ित और परेशान किसानों की शिकायत और समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इन किसानों को फसल बीमा की सूची में नहीं जोड़ा गया और राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाली आर्थिक मदद में किसान परेशान हैं, क्योंकि सोयाबीन की फसल से लागत ज़्यादा लगती है और सोयाबीन की फसल इस वर्ष खराब हो चुकी है और किसान अब फसल बीमा की मांग कर रहे हैं, साथ ही राहत राशि की मांग कर रहे हैं। पर इन किसानों के खेतों का ना तो सर्वे हुआ, ना आकलन हुआ और ना ही शासकीय सूची के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जिसकी वजह से इन किसानों ने मुख्य रोड पर चक्का जाम कर दिया अपनी मांगों का निराकरण करने के लिए। और अब इन किसानों के ऊपर अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। किसानों का कहना है कि हमने अपना हक मांगा और हमारे ऊपर ही अब मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने चक्का जाम किया हुआ था फसलों की मांगों को लेकर, किस प्रकार से मामला दर्ज किया गया है, किस प्रकार से क्या है? इसमें जो है आज किसानों के द्वारा जो उनका नुकसान हुआ था उसके बीमा के संबंध में दर्ज किया गया था। इस संबंध में किसानों के 20-35 किसानों के द्वारा जलालपुरा जोर पर चक्का जाम किया गया था, जिसके संबंध में तहसीलदार महोदय तहसीलदार पहुँचे थे, ज्ञापन दिया था। इस संबंध में चक्का जाम करने के संबंध में 30-35 करीब 19 की जो फसल खराब हुई थी किसानों की, उसके बीमा राशि नहीं मिलने के लिए आज किसानों ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया था। वो तो किस प्रकार से पिछले साल 2019 में जो सोयाबीन की फसल खराब हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा योजना यह है कि फसल का बीमा कराया जाए, उसी के पालन में हम किसान लोग 2016 से अपनी फसल का बीमा करवाते आए हैं। उसमें सिर्फ एक ही बार हमें बीमा मिला, बाकी हमारे साथ छलावा किया जा रहा है। बैंक के द्वारा हमारी प्रीमियम तो काटी जाती है, पर जब हमारा नुकसान होता है तो बदले में कुछ नहीं मिलता। 2018 में भी आधे किसानों को मिला है और आधे को नहीं मिला। इस मामले में मक्सी और गड़ोली के जो किसान है, पटवारी हल्का नंबर 61, आज आक्रोशित होकर एक छोटा धरना प्रदर्शन सरकार तक आवाज़ पहुँचाने के लिए किया गया, जो आने वाले दिनों में। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।